हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल टाइम्स। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कंप्यूटर से किस तरीके से आपके प्रिंटर में प्रिंट निकालते हैं। वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिए, आपको बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा अपने कंप्यूटर से किस तरीके से प्रिंट करना है बोल के। आपको जो भी प्रिंट करना है उसे ओपन कर लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात बताऊँगा दोस्तों, मेरे चैनल में न्यू हो तो ये लाल बटन को यानी कि ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता लग जाएगा। तो आपको जो भी पीडीएफ या कुछ भी प्रिंट करना है दोस्तों, उसको ओपन कर लीजिए। और सबसे पहले दोस्तों, आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए। आपके सीपीयू में दो वायर, मतलब एक वायर दोस्तों एक डाटा केबल की वो सीपीयू में लगती है और एक इसमें पावर सप्लाई की लगती है। और यहाँ पर पावर ऑन कर लीजिए। इसके बाद ये प्रिंटर रेडी है दोस्तों। और इसके अंदर आपके प्रिंटर के अंदर भी दोस्तों एक सॉफ्टवेयर आपको रहना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ए वाला HP Inktank 3110 सीरीज़ का, यहाँ पर देखिए HP Inktank 319 यानी कि 3110 सीरीज़ का ही इसको ये सपोर्ट करता है दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी ओपन करना है यानी कि फाइल हो कुछ भी हो दोस्तों, उसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे सिंपल देखिए कंट्रोल और पी को मार दीजिए दोस्तों। कंट्रोल पी मारेंगे तो कुछ आपके स्क्रीन पे इस तरीके से ए प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट मार दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा, सबसे बेटर ऑप्शन है दोस्तों। कंट्रोल और पी मार दीजिए, ये देखिए इस तरीके से प्रिंटर का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर ये भी नहीं करना है दोस्तों, अगर वर्ड में प्रिंट देना है तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट में जाइए, यहाँ पे प्रिंट में जाइए, यहाँ पे प्रीव्यू देखिए। तो ये प्रिंट मारेंगे तो अभी कंट्रोल पी जैसे ही काम करेगा, प्रीव्यू मारेंगे तो आपको दिखाई देगा कंप्यूटर से प्रिंट कैसे निकालें। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट दे दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको सबसे अच्छी मेन जो याद रखना है ये नेम प्रिंटर का, यहाँ पर इसको HP Inktank को ही सेलेक्ट करना है। अगर किसी और को सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रिंट नहीं देगा दोस्तों। और जहाँ पर करंट पेज चाहिए तो करंट रखिए, ऑल पेज चाहिए तो ऑल पेज चाहिए। अगर कौन से पेज चाहिए वो पेज रख के यहाँ पे ओके मार दीजिए। जैसे ओके मारेंगे ये देखिए आपका प्रिंटर काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी वहाँ से पेपर अंदर जाना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से ये प्रिंट होके निकल के आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से बड़े आसानी के साथ आप जो है आपके कंप्यूटर से यानी कि आपके कंप्यूटर से प्रिंट निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इजीली दोस्तों ये देखिए निकल गया दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ भी सवाल तो कमेंट कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।